रेकी ऋषि विद्या है, तो देवताओं का होना जरूरी है। जो हमारे वेद हैं सबसे बड़ा विज्ञान है, चारों वेद से बड़ा विज्ञान क्या हो सकता है। हमारे ऋषि महर्षि जो वैज्ञानिक थे उनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है। जरा सी कला क्या सीख ली रेकी, सब कुछ हाथ में आ गया। ऐसा नहीं होता है रेकी के मैंने अधिकतर ग्रैंड मास्टर मास्टर पागल होते हुए देखे हैं। दूसरों के नेगेटिव क्या उतारेंगे, खुद के अंदर उनके नेगेटिव भरे हुए, दूसरों का कलेश क्या दूर करें, खुद के घर के अंदर कलेश है। दूसरों को विक्षिप्त प्राण से क्या बाहर लाएंगे, खुद विक्षिप्त है, खुद पागल है। जाके ढूंढिए देखिए कितने रेकी सीखने वाले बीमार पड़े हुए हैं, कितने ग्रैंड मास्टर मास्टर बीमार पड़े हुए हैं, मानसिक विक्षिप्त है। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरी रिसर्च है ये। देश विदेश के काफी मास्टर काफी ग्रैंड मास्टर मेरे शिष्य हैं, जुड़े हुए हैं। मैं जो देव ज्ञान देता हूं वो मूल ज्ञान देता हूं, ब्रह्म ज्ञान देता हूं। ब्रह्म ज्ञान होने पे सब कुछ अपने आप ही आ जाता, सारी विद्याएं आ जाती है। ब्रह्मांड की कोई ऐसी विद्या है जो आपके भीतर ना प्रकट हो। जब हम अपने स्वरूप आत्मा का दर्शन कर लेते हैं तो प्राप्ति करने से। जय श्री राम सीताराम सीताराम।